हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई एम करंटली ऑन अ हंट टू बाय न्यू बुक्स, स्पेशली दो बुक्स दैट आई रियली वांट टू रीड। वन इज द डू ओवर एंड द अदर वन इज द फाइनल ऑफर, लेकिन दोनों मुझे ऑनलाइन मिल नहीं रही हैं। दे आर सोल्ड आउट कम्प्लीटली। आई गेट आस्क्ड दिस क्वेश्चन अलॉट कि आप ओरिजिनल बुक्स कहाँ से खरीदती हैं, बिकॉज जितनी भी बुक्स इधर हैं सारी ओरिजिनल हैं। आई पर्सनली डोंट टेंड टू बाई पायरेटेड बुक्स बिकॉज आई जस्ट डोंट लाइक द फील ऑफ इट, द क्वालिटी ऑफ इट। आई फील लाइक बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि यू नो इट्स जस्ट द स्टोरी, स्टोरी ही तो पढ़नी है, इतना इतना क्या मसला है। एंड ऑब्वियसली द प्राइसेस ऑफ ओरिजिनल बुक्स इज अलॉट। एक बुक ऑलमोस्ट 2000 तक की मिलती है, 1700 की मिलती है, सो इट इज अलॉट। बट आई फील लाइक दीज बुक्स आर लाइक एन इन्वेस्टमेंट। आई डोंट नो, आई लव टू कलेक्ट ओरिजिनल बुक्स, इसलिए आई बाय देम। आई कीप माई बजट असाइड फॉर माई बुक्स every single month, and I don't buy books every single month. ऐसा नहीं है कि मैं हर महीने जाके book shopping करती हूँ. The question that has to be answered is कि आप कहाँ से ओरिजिनल बुक्स खरीदती हैं। वन वेबसाइट इज readings.com.pk एंड द अदर वेबसाइट इज libertybooks.com। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड दीज बुक्स, लेकिन ये हर जगह सोल्ड आउट हैं। द बुक आई एम करंटली रीडिंग, दिस इज अ पायरेटेड वर्जन, एंड आई थिंक द बिगेस्ट रीजन कि मुझसे ये पूरी पढ़ी नहीं जा रही इज बिकॉज इट डजेंट फील लाइक एन ओरिजिनल बुक। द प्रिंट इज नॉट दैट नाइस। अ लॉट ऑफ पीपल विल कॉल मी वेरी स्टूपिड कि इट डजेंट मैटर, इसकी स्टोरी अच्छी है बस पढ़ो, लेकिन नहीं, इट मैटर्स टू मी, यू नो, टू ईच देयर ओन। अगर आपको पायरेटेड बुक्स पढ़नी है आप पढ़ो, मैं आपको कुछ नहीं बोल रही, इट्स जस्ट माय पर्सनल प्रेफरेंस। एंड आल्सो एन अपडेट ऑन आज की इफ्तारी, बिकॉज आई डिडंट रियली फिल्म अलॉट इन यस्टरडेज व्लॉग। द इफ्तारी वाज फन, ऑब्वियसली मेरे घर पे दावत थी तो बहुत सारे लोग थे। आई हैवंट ईटन मच येट, लाइक मैंने सिर्फ फ्राइड आइटम्स खाए थे। आई जस्ट हैड वन समोसा एंड वन रोल, आई हैड कुल्फी एज वेल। मुझे बहुत जोर से फीलिंग आ रही है कि मैं बुक पढ़ते पढ़ते सो जाऊंगी, सो इफ आई स्लीप देन इट्स गुड। इवेंचुअली मैं फिर सहरी पे ही उठ के आराम से सहरी करके नमाज पढ़ के फिर से सो जाऊंगी और फिर हम जल्दी उठेंगे, बिकॉज आज मैं 2 बजे उठी थी, विच इज नॉट गुड। एनीवेज गाइज, आई एंडेड अप ऑर्डरिंग थ्री बुक्स। दो मैंने अपने लिए लिए हैं, एक मैंने अपने दोस्त के लिए लिए है। आई लव टू गिफ्ट पीपल बुक्स दैट आई ऑलरेडी रेड, सो वो मैं बुक नहीं बता रही इन केस माई फ्रेंड वॉचेज दिस व्लॉग। सो आई वॉन्टेड टू बी अ सरप्राइज, बट जस्ट लेटिंग यू नो आई ऑलरेडी रेड दिस बुक। द टू बुक्स दैट आई गॉट फॉर माई सेल्फ, वो सबसे पहले द 7 हजबेंड्स ऑफ एवेलिन ह्यूगो बाई टेलर जेंकिन रीड्स। आई ऑलरेडी हैव अ कॉपी बट समहाउ आई डोंट नो वेयर इट इज, बिकॉज शिफ्टिंग में शायद कहीं इधर उधर हो गई है। आई रियली वॉन्टेड टू रीड दैट बुक, एंड ऑल्सो आई गॉट द फाइन प्रिंट जो मुझे चाहिए थी ना, द फाइनल ऑफर। आई थॉट द फाइनल ऑफर वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज, बट एक्चुअली द फाइन प्रिंट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज। इवेंचुअली आई गॉट दिस बुक एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। दरक कम्प्लीटली अपने जोन में। क्या कहना चाहेंगी आप, आज का रोज़ा आपका कैसा था? चीज़ें मुझे तंग नहीं करो। ओके मैम, आई एम सॉरी। आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड दिस बुक। कल से ये बुक नहीं दिखेगी आप लोगों को, बिकॉज आई विल स्टार्ट अ न्यू बुक। आई रियली वॉन्टेड टू टॉक अबाउट वन टॉपिक दैट अ लॉट ऑफ पीपल टेंड टू हैव ओपिनियंस ऑन, एंड आई वुड लाइक टू शेयर माई ओपिनियंस ऑन इट इन द स्टार्ट ऑफ रमजान, बिकॉज आई फील लाइक हम लोग बहुत जजी हैं। एंड हम लोग में मैं अपने आप को भी काउंट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नो अ फ्रेंड हु इज नॉट अ गुड मुस्लिम इन टर्म्स ऑफ द बुक इट सेल्फ, के भाई हाँ he or she might, you know, drink or smoke or do drugs or not pray their namaz on time or maybe not pray at all in Ramzan, if they try to keep roza, pray their namaz on time, start going on the right path, rather than
उनको बिलिटल करना या उनको बोलना अबे तुम्हें क्या हो गया, तुम तो ड्रिंक भी करते हो, तुम तो पार्टी भी करते हो, तुम तो नमाज़ें नहीं पढ़ते, अचानक से रमज़ान में तुम नमाज़ें पढ़ने लग गए। नेवर डू दिस टू अ पर्सन, बिकॉज़ आई फील लाइक रमज़ान इज़ ऑल अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन, इट इज़ ऑल अबाउट सेल्फ ग्रोथ, इट इज़ ऑल अबाउट जस्ट कीपिंग योर सेल्फ क्लोजर टू अल्लाह एंड मेकिंग कॉन्शियस एफर्ट कि हम अपने रब से करीब हों। सो इफ़ यू सी एनी वन चेंजिंग देयर हैबिट्स और प्रेइंग रेगुलरली, डोंट क्वेश्चन इट, डोंट बी लाइक कि ये रमज़ान में तुम क्यों चेंज हो रहे हो या हो रही हो। इट साउंड्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, बिकॉज अगर कोई अल्लाह से करीब होने की कोशिश कर रहा है या अगर रमज़ान की वजह से वो इस्लाम से करीब हो रहा है, आप कौन होते हैं उसको बोलने वाले। जेन्युइनली आई फील लाइक हम इतने जजी हैं। आई हैव बिन देयर वेयर आई हैव जज्ड पीपल कि ये रमज़ान में इतना वो क्यों हो गए। बट इन रियलिटी व्हाट आई हैव लर्नड इज कि रमज़ान में यू लर्न अ लॉट अबाउट योर सेल्फ एंड योर रिलीजन, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ रमज़ान। इस महीने में हम सब दिल जान से कुरान भी ख़त्म करते हैं, नमाजें टाइम पे पढ़ते हैं। मैं अपनी खुद की एग्जाम्पल दूंगी, मैं खुद 5 वक्त की नमाजी नहीं हूँ, एंड इट इज़ सो embarrassing to accept that कि यार अल्लाह ने एक चीज फर्ज रखी है और मैं वो फर्ज भी पूरा अदा नहीं कर पा रही। लेकिन रमजान में आप कॉन्शियस एफर्ट डालते हो अपना कि नहीं मेरी नमाज ना छूटे। जस्ट एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक्स, एक्सेप्टिंग योर फ्लॉज इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स चेंज, एंड इफ यू आर ऑन दैट जर्नी ऑफ चेंजिंग आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू एक्सेप्ट योर फ्लॉज, और बहुत मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना एंड सेल्फ रियलाइजिंग कि यार हाँ ये गलत था, मैं जो भी करती हूँ या करता हूँ वो गलत है। और एक बार हम वो चीज रियलाइज कर लें तो फिर हम कॉन्शियस एफर्ट डालने लगेंगे। इस महीने में हमें वो अल्लाह हिदायत दे रहा है, तो आप कौन होते हो उसको ठुकराने वाले। लेट्स बी लेस जजी इन दिस मंथ एज वेल। सिर्फ नमाज कुरान ही नहीं है इस महीने में, इस महीने में यू हैव टू गिव अ लॉट टू पीपल। यू नो इवन अगर आपकी वजह से कोई स्माइल कर दे या किसी का दिन बन जाए, उसका भी कितना सवाब है इस महीने में। सो जस्ट थिंक अबाउट इट लाइक दिस कि किसी को हर्ट ऐसे नहीं करो बोल के कि भाई तुम्हें क्या हो गया रमज़ान में। जस्ट अ थॉट दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज, एंड आई होप यू थिंक द सेम। मैं सहरी करूँगी और बस मैं सो जाऊँगी क्योंकि नींद तो बहुत आ रही है। आई विल सी यू गाइज इन सहरी, इफ आई डोंट सी यू गाइज इन सहरी आई विल सी यू गाइज टुमारो मॉर्निंग। इट्स ऑलमोस्ट 5:30 राइट नाउ। अपडेट मेरी यह है कि आई हैव स्टार्टेड रीडिंग इट स्टार्ट्स विद अस बाय कुलीन हूवर। मैंने ऑलरेडी इसके 100 पेजेस पढ़ लिए थे शुरू में, बट मैंने कोई 3 महीने पहले पढ़े थे, सो आई डू रिमेम्बर इट अ लिटिल बिट, बट आई डोंट रिमेम्बर इट बिल्कुल यू नो विविडली। तो मैंने बिल्कुल शुरू से ही स्टार्ट की है एंड आई एम एंजॉयिंग इट सो फार। आई रियली लाइक हाउ द डायनामिक्स ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज गोइंग ऑन। आज बहुत सिंपल इफ्तार होगी हमारे घर पे, डायरेक्ट डिनर होगा, कोई फ्राइड आइटम्स नहीं होंगे, कोई फैंसी शरबत वगैरह नहीं होंगे, जस्ट स्ट्रेट अप डिनर। बहुत स्लो दिन चल रहा है, इतना रोजा लग नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह। घर पे बैठ के वैसे भी रोजा लगता नहीं है इतना, तो आई एम ग्लैड। मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ता नहीं है तो मैं सुकून से घर में पढ़ लेती हूँ, एंड ऑल्सो We need to start studying. आप लोग कॉमेंट्स में मुझे रिमाइंड कराओ कि मोमना पढ़ना शुरू कर दो, 1 महीने में एग्जाम्स है। 1 महीने में नहीं, 2 महीने में, बट स्टिल आई नीड टू स्टार्ट स्टडीइंग। मैंने बोला था कि हम फ्राइड चीजें आज नहीं खाएंगे, बट कल की फ्राइड चीजें पड़ी हुई थी, तो I hope you enjoyed watching this vlog and I will see you guys tomorrow inshallah. Bye. Shut up. Okay.